नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों आज मैं आपको श्रावण मास महात्म के 30वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। ईश्वर बोले, हे सनक कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास का कुछ कुछ महात्म कहा है, इसके संपूर्ण महात्म का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। मेरी इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसलिए श्रावण मुझे प्रियकर है। यह श्रावण न अधिक शीतल होता है और न ही अधिक उष्ण गर्म होता है। राजा को चाहिए कि श्रावण मास में श्रोताग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्धुतिल करके जल से आर्द भस्म के द्वारा मस्तक, ब्रक स्थल, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सर और पीठ, इन 12 स्थानों में त्रिपुंड धारण करें। मानस्तों के मंत्र से अथवा सगोजात आदि मंत्र से अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करें और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करें। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सर पर 22, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8-8, ललाट पर 1 और शिखा के अग्र भाग में 1 रुद्राक्ष धारण करें। इस प्रकार से करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। हे विपेंद्र, श्रावण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्णाष्टमी भारत के पश्चिमी प्रदेशों में युगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए पड़ती है। उस दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, यह मैंने आपको संक्षेप में बताया है, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सनत कुमार बोले, हे पार्वती पते, आपने श्रावण मास का जो जो कृत्य कहा उन्हें सुनकर आनंद सागर में निमग्न रहने के कारण और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई, अतः हे नाथ, आप क्रम से सबको यथार्थ रूप से बतलाइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्ति पूर्वक उन्हें धारण करूंगा। ईश्वर बोले, हे सनक कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुक्रमणिका को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम सौनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूजी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुनः हे मुने, आपका विस्तृत प्रश्न, इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर क्रम से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, उसके बाद नक्त व्रत की विधि, रुद्राभिषेक कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, उन्हें रुद्राभिषेक करने तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करने तथा मौन व्रत धारण करने का फल, तत्पश्चात मासोपवास में धारण पारण की विधि, इसके बाद सोमाख्यान में लक्ष्य रुद्रव्रती विधि, पुनः कोटिलिंग विधान, इसके बाद अनोदन नामक व्रत कहा गया है। इसी व्रत में हवेश्यान ग्रहण, पत्तल पर भोजन करना, साक त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः स्नान और दम तथा सम का वर्णन, उसके बाद स्फटिक आदि लिंगों में पूजा जप का फल, उसके बाद प्रदक्षिणा नमस्कार, वेद परायण, पुरुषोक्त की विधि, उसके बाद ग्रह यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुध गुरु का व्रत, इसके बाद शुक्रवार के दिन जीवंतिका का व्रत, पुनः शनिवार को नरसिंह, शनि, वायुदेव और अस्तत्व का पूजन, ये सब कहे गए हैं। उसके बाद रोटक व्रत का महत्तम, औदुम्बर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, दुर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि के नाग व्रत, षष्ठी तिथि में
सुपोधन व्रत, इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवी का पवित्रारोपण, इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत, इसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः श्री हरि का पवित्रारोपण, पुनः त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा, उसके बाद शिवजी का पवित्र धारण, पुनः उपाकर्म उत्सर्जन तथा श्रवणा कर्म, इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद सर्वबलि है ग्रीव जन्मोत्सव, सवा दीप रक्षाबंधन, संकट नाशक व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा उसकी कथा, पिठोर नामक व्रत, पोला नामक ब्रस व्रत, कुश ग्रहण, नदियों का रजो धर्म, सिंह संक्रमण में गो प्रसव होने पर उसकी शांति, कर्क सिंह संक्रमण काल में तथा श्रावण मास में दान स्नान महत्तम महत्तम श्रवण, उसके बाद वाचक पूजा, उसके बाद अगस्त अर्धवेदी, फिर कर्मों तथा व्रतों के काल का निर्णय बताया गया है। जो श्रावण मास महत्तम का पाठ करता है अथवा इसका श्रवण करता है वह इस मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, आप इस शुभ अनुक्रम को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को तथा श्रावण मास के महत्तम को सुनता है वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। हे विप्रसे, अधिक कहने से क्या लाभ। श्रावण मास में जो विधान किया गया है उनमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे प्रिय है। सूत जी बोले, हे सौनक, शिव जी के अमृत में इस उत्तम वचन का अपने कर्णपुट से पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और कृतकृत्य हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिव जी का स्मरण करते हुए वे देवर्षि श्रेष्ठ सनत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है। बोलो श्रावण मास महत्तम की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।